नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो वड़कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन ऑडिटर पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। फ्रेंड्स, व्हेन आई से यू आर प्रेशियस, आई एक्चुअली मीन इट। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पर और यू जस्ट केम अक्रॉस दिस चैनल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन द गुफ्तगू, रिलेशनशिप कोचिंग, टैरो वीडियोस एंड मोटिवेशनल कंटेंट। ओके, सो आई विल बी मोस्ट हैप्पी, डिलाइटेड टू वेलकम यू इन द फैमिली। ओके, सो अगर आपने सब्सक्राइब किया है, आप ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, लॉयल सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इट फील्स मी विद ग्रेट प्लेजर टू great honor in fact to have loyal subscribers like you in my family, thank you so much। and jo log tarot seekhna chahte hain and community page pe maine post kiya hai recently, aap wo check out kar sakte hain, usme details hain aur description box mein bhi details hain मुझे कॉन्टैक्ट करने की। यू कैन बी ए टैरो एक्सपर्ट, सर्टिफाइड टैरो एक्सपर्ट। एंड मैंने बहुत देखा है, मुझे सुनने में आता है कि दूसरे, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट दूसरे टैरो एक्सपर्ट से सीखने के बाद भी लोग मेरे पास आते हैं कि मैम हमें आप पे ट्रस्ट है, जितने अच्छे से आप सिखाओगे कोई नहीं सिखा सकता। मुझे नहीं पता कि ऐसा उनको क्यों लगता है, आई डोंट नो। मैं तो कहती हूँ कि मैं खुद कुछ नहीं करती हूँ, विधाता करते हैं मेरे थ्रू। मैं विधाता के थ्रू करती हूँ जो भी करती हूँ, मैं तो मीडियम हूँ बस। तो लोगों को इतना ट्रस्ट है, मेरे पास बहुत ऐसे मैसेजेस आए, मैं आपको स्क्रीनशॉट सिखा सकती हूँ जिसमें कि विद एनोनिमिटी मेंटेन करके ऑफकोर्स, जिसमें कि यू नो लोगों ने मुझे बोला है कि मैम उन्होंने इतना चार्ज भी कर लिया और सिखाया कुछ खास भी नहीं और हम ठीक से रीडिंग्स कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सीखने का और दे कैन डू रीडिंग्स, अमेजिंग रीडिंग्स, और उनका टाइम पीरियड हो काफ़ी डिटेल में मैं सिखाती हूँ। अगर आपने मेरे टैरो वीडियोस देखे हैं तो आप समझ जाओगे कि मैं कितना अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ, तो मैं तब कितना अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगी, ठीक है। बाकी आप मुझे कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स पूछ सकते हैं, सब कुछ वैसे मैंने कम्युनिटी पेज पर मैंने पोस्ट किया है, टीचर्स डे पोस्ट, ठीक है। तो उस वो आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल्स हैं सब कुछ, ठीक है। चेंज योर लाइफ, सेल्फ रिलायंट बनिए, इंडिपेंडेंट बनिए और एक स्पिरिचुअल लाइट वर्कर के रूप में लोगों की ज़िंदगी में बेहतरीन बदलाव लाइए। एक टैरो रीडर होना एक जिम्मेदारी होती है और आपके हाथ में जो पावर आपको मिल रही है वो जिम्मेदारी से निभाएँ, ठीक है। तो और वो जो है आपकी इंट्यूशन, मेडिटेशन, वो सब आपको करनी साथ में बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी नोट्स में मैं अब शुरू करना चाहूँगी रीडिंग को। रीडिंग ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, आई गेस, आई थिंक सम लाइक किसी शायद पायल ने मुझे, हाँ आई थिंक, रिक्वेस्ट किया था कि मैं कुछ टॉपिक सजेस्ट किए थे, उसमें से एक टॉपिक ये भी है वेट लॉस के ऊपर। मैं एक बार पहले भी कर चुकी हूँ और ये टॉपिक मैं आज फिर कर रही हूँ। और चलिए, और फ्रेंड्स, आई सिंसियरली बिलीव कि मैंने कभी, व्हेन आई यूज टू बी फिट, मैं शुरू से काफ़ी फिट रही हूँ और कभी किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करी, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। जब मैं फिट थी तो मैंने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, कभी किसी के लुक्स पे कमेंट नहीं किया, कभी किसी को बॉडी शेमिंग नहीं करी। आई नेवर मेड एनीवन फील इनफीरियर। इट टेक्स एन इनफीरियर पर्सन टू मेक समबडी फील इनफीरियर। कोई नीचा गिरा हुआ इंसान ही किसी को नीचा दिखा सकता है, मेरा तो यही मानना है। मेरे पेरेंट्स ने तो हमें यही सिखाया है कि कभी अगर तुम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी को बुरा भी नहीं बोलना। अगर तुम किसी को कभी लुक्स पे नीचा नहीं दिखाना, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना कि तुम तो ऐसे हो, कभी नहीं बोलना। जो जैसा है उसको पता है कि वो कैसा है, आप पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली, अगर उनके अपने हैं, जेन्युइनली कंसर्न हैं, तो कुछ ऐसा स्टेप केयर उनकी तरह से दिखाइए कि उनको महसूस हो कि आप जेन्युइनली उनकी केयर करते हैं, ठीक है।
किसी को बॉडी शेम करके, टॉन्ट करके, जो भी ऐसा करता है वो अपना लो कैरेक्टर दिखा रहा है, और मुझे ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है, ठीक है। तो इनफैक्ट जो लोग कर्वी होते हैं या जो लोग यू नो जैसे डिस्पाइट द वेट गेन वो खुद को इतने अच्छे से कैरी कर रहे हैं, इस बात से अगर जेलस हो मैं समझ सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, आई पिटी यू। सो एनीवे हम यहाँ पे आए हैं, ये बोलना थोड़ा ज़रूरी था क्योंकि बॉडी शेमिंग बहुत मैंने तो बहुत टॉलरेट करी है, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी बॉडी शेमिंग टॉलरेट करनी पड़ेगी, तो मैं तो कभी नहीं करती। मैं दोबारा फिट हो जाऊँगी, वेट का क्या है, वेट तो कम हो जाता है, मैं दोबारा फिट हो जाऊँगी, लेकिन मैं तब भी मुझे नहीं लगता मैं कभी किसी को नीचा दिखाऊँ, कभी किसी को बॉडी शेम करूँ, मुझे तो नहीं लगता मैं ऐसा कभी भी ऐसा नहीं करूँगी मैं। दैट्स नॉट हाउ आई हैव बीन रेज्ड, यू नो। सो चलिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इट्स अबाउट व्हेन विल यू लूज वेट, एंड जो ड्यूरेशन भी मुझे दिखेगा तो वो आपको बताई जाएगी ड्यूरेशन। उसके साथ में मैंने एक बोनस कार्ड रखा है, वो बोनस कार्ड है आपका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन 1 ईयर फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस वीडियो, ओके। सो आपका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी मेकओवर ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाटएवर यू कॉल इट, वो कैसा होगा 1 ईयर फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस वीडियो, ओके। इट्स अ टाइमलेस वीडियो फ्रेंड्स, ठीक है, इट्स अ टाइमलेस वीडियो। तो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उसके 1 ईयर के बाद ये एप्लीकेबल होगा, जब भी आप देखें उसके 1 ईयर के अंदर क्या चेंजेस आएंगे आपकी बॉडी मेकओवर ट्रांसफॉर्मेशन में वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जो भी मैं एंजल आंसर्स डेक यूज़ कर रही हूँ आपका विल यू लूज वेट वाले रीडिंग के लिए, और ड्यूरेशन भी उसी कार्ड के उसमें से बताई जाएगी आपको, ठीक है फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके। सो लेट मी, मैं सिलेक्शन के लिए कुछ कार्ड्स आपको बता देती हूँ, रख लेती हूँ कुछ कार्ड्स मैं सिलेक्शन के लिए। चलिए बटरफ्लाई कार्ड्स रखते हैं, चलिए ठीक है। 3 पाइल्स मैंने रखी हैं, तो 3 पाइल्स के लिए बटरफ्लाई कार्ड, बिकॉज बटरफ्लाई सिग्निफाइज ट्रांसफॉर्मेशन। सो चलिए, सो दिस इज पाइल नंबर 1 विच इज वेलकम द न्यू, पाइल नंबर 1 वेलकम द न्यू। I hope you can see it. If you cannot see it, let me show. I hope you can see it. Image wise select कर सकते हो, आपका color wise select कर सकते हो आप। I always guide you guys how to select the cards. Welcome the new, okay. And second card we have is get some rest. This is pile number 1. This is pile number 2. Okay, starting from here, pile number 1. Pile number 2, get some rest. Pile number 2 is get some rest. Pile number 1 is welcome the new. Pile number 2 is get some rest. Okay. And then we have pile number 3, changing your mind. Pile number 3, changing your mind. Okay. Okay. So close your eyes, take a deep breath and universe or God से खुदा से कहिए सही पाइल की तरफ आपको ले जाएं, आपको डायरेक्ट करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सो आप इफ यू नीड मोर टाइम यू कैन पॉज द वीडियो, ओके। If you need more time, you can pause the video. Okay. So, chaliye. For those of you, और एक मैं और एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि स्पेशल ऑफर चल रहा है टीचर्स डे के उपलक्ष्य में।
कि जो रीडिंग 1600 रुपीज़ की है वो रीडिंग मैं 1100 रुपीज़ में ऑफ़र कर रही हूँ, ठीक है। और 30 मिनट्स का सेशन है कॉल पे, ठीक है। और रेमेडीज़ आपको व्हाट्सएप कर दी जाएंगी टू सेव बोथ ऑफ आर टाइम, ओके। सो आप वो रीडिंग बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए रीडिंग का जो ऑफ़र है वो अवेलेबल है, ओनली फॉर 2-3 डेज, सो हर्री अप। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। वेलकम द न्यू, ओके। ऑल राइट, सो चलिए फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ऑल राइट, सो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ओके। सो चलिए लेट्स सी। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड आई हैव इज हेल्पफुल पीपल। This is going to be very to the point without beating around the bush reading, okay. हो सकता है जल्दी wrap up भी हो जाए, okay. No need to worry. Okay. Next we have is a year from now. Okay. So friends, right off the bat मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको किसी की गाइडेंस की, फॉर एग्जांपल डाइटिशन या फिर फिटनेस ट्रेनर, यू नो, या अगर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मुझे किसी के लिए गाइडेंस आ रही है कि किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को आपको दिखाने की ज़रूरत अगर है तो उनको दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए, जिनको अगर किसी को थायराइड इश्यूज हैं या PCOD अगर किसी को है तो एक बार कंसल्ट करा लीजिए, ठीक है। तो ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि किसी गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, किसी की हेल्प की, गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, तो वो गाइडेंस आप ले लीजिए, ज़रूर लीजिए। उस गाइडेंस से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, आपको एक रोड मैप मिल जाएगा, फिर उसके बाद एक रोड मैप, एक प्लान बनाओगे कि आपको कैसे करना है, ठीक है, कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करना है, क्या आपका तरीका होना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, उसका आप ध्यान रखने वाले हो फिर, ठीक है। वो आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये इश्यूज हैं, सो आई हैव टू स्टार्ट विद दिस एंड अवॉइड दिस डूज एंड डोंट्स, ओके। सो इसके अलावा जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है नो नीड टू वरी। सो ये कार्ड कह रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत टेंशन ले रहे हो, और स्ट्रेस से कई बार वेट, स्ट्रेस से काफ़ी इश्यूज डेवलप होते हैं हेल्थ में, इंक्लूडिंग वेट गेन फॉर सम ऑफ यू। सम पीपल गेन वेट ड्यूरिंग स्ट्रेस, या तो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं या फिर वो वेट गेन करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, और दूसरे भी हेल्थ इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको जो हेल्प चाहिए वो सीक दैट असिस्टेंस, उसके बाद टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, यू वोंट नीड टू वरी, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लान बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ और उसको इम्प्लीमेंट करो, यानी कि सिर्फ रेजोल्यूशन बना लिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। और ये अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो, उस गाइडेंस को, तो मुझे दिख रहा है कि पूरी परसिस्टेंस के साथ फॉलो करते हो तो ईयर फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस वीडियो, रीड दिस रीडिंग, तब आपका जो गोल वेट है, जो आपका वेट लॉस का गोल है, वो आप अचीव करते हुए दिख रहे हो, चांसेस हैं, ठीक है। तो अटेंशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बड़े अच्छे चांसेस हैं कि जो आपका गोल वेट है वो आप अचीव कर सकते हो, कर पाओगे आप, ठीक है। तो स्पिरिट बोल रहे कि आपकी डिटर्मिनेशन पावर बहुत अच्छी है, आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, तो आपने स्ट्रेस से अपना शिफ्ट करके आपने फोकस करना है अपनी विल पावर पे, ठीक है। ओके, सो द आंसर विल यू लूज योर वेट इज येस, एंड विद इन 1 year फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस वीडियो यू विल बी एबल टू रीच योर गोल वेट। एंड आपको जो हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, पहले वो सीक दैट असिस्टेंस, सीक दैट गाइडेंस, एक्सपर्ट हेल्प लीजिए, एंड देन क्रिएट अ रोड मैप, स्टॉप वरिंग, एंड योर ईयर फ्रॉम नाउ यू विल बी एबल टू लूज वेट।
ओके तो चलिए अब देखते हैं, रीडिंग इज नॉट, अभी कहीं ना मत जाइए क्योंकि अभी हमें बॉडी मेकओवर कार्ड्स देखने हैं, ठीक है। तो बॉडी मेकओवर आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा विद इन वन ईयर फ्रॉम नाउ, वन ईयर फ्रॉम एनी वॉच दिस वीडियो, ठीक है। चलिए ओके, ओ वाओ, आई हैव द मैजिशियन एंड दिस इज माई फेवरेट स्ट्रेंथ कार्ड, I call this a Leo card. Look at her. She's half lion and half woman. Yeah, I love this. I so like relate with this card. So, okay, this is my favorite Leo card. I see myself. I see my reflection in this card. Okay, anyway. This is strength card. Okay. So, मुझे जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि बिल्कुल एक डायनामिक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है आपका, आपने सोचा भी नहीं होगा वैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपका होता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करो, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस, थॉट्स पे फोकस मत करो, पॉजिटिव सोचो, मैनिफेस्ट 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 और वर्क टूवर्ड्स योर गोल्स। मैंने आपको अभी चीज़ें बताई कि परसिस्टेंस के साथ वर्क टूवर्ड्स योर गोल्स, लगन के साथ, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू अचीव दैट ड्रीम लुक। आपका कोई ड्रीम लुक आपने सोचा है विद इन वन ईयर फ्रॉम एनी वॉच दिस वीडियो, यू विल बी एबल टू अचीव दैट। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि विद इन वन ईयर एंड एट मंथ्स, कुछ लोगों के लिए सिर्फ एट मंथ्स में आप अचीव करते हुए दिख रहे हो अपना ड्रीम लुक। यू गोना लुक वाओ, whether you are a male or a female, okay, you're going to look amazing. People are going to be turning their heads to look at you. ओके लोग अपने हेड्स टर्न करके देखने वाले हैं आपकी तरफ। यू गोना बी लुकिंग अमेजिंग, ओके, रैविशिंग इज द वर्ड, ओके। सो चलिए, और वेलकम द न्यू कार्ड के साथ मुझे मैसेज आ रहा है कि पॉसिबली आप कोई न्यू लुक चाह रहे हो, न्यू लुक चाह रहे हो आप, या अपनी पर्सनैलिटी में कुछ नयापन चाह रहे हो आप, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी को कुछ नया लुक देना चाह रहे हो आप, ठीक है। सो वो आप वर्क टूवर्ड्स इट एंड यू शैल हैव इट, ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर वन, आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू सो मच, आई सी यू इन अनदर वीडियो। सो वेलकम पाइल नंबर टू, द कार्ड यू हैव चोजन इज गेट सम रेस्ट और दिस इमेज, ओके। So, okay. Pehle, we're going to watch if you're going to lose your weight and how will, irrespective of how, when you, will you lose your weight, hum ye bhi dekhne wale hain ki aapka body transformation kaisa hoga within one year from now, one year from when you watch this reading, okay? Chaliye. फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, नहीं तो आप उसे पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, ओके। चलिए, सो लेट्स सी, ओके, वी हैव द कार्ड इज कॉल्ड लेट गो, बी असर्टिव, बी असर्टिव, रोमांस, ट्रस्ट, बहुत सारे कार्ड जाए हैं भाई की गल है, रिमेन पॉजिटिव, ओके, अनलाइकली, नो, अभी भागना मत कहीं, मैं बताती हूँ, ठीक है, भागने की जरूरत नहीं है कि अनलाइकली नो आ गए तो भागो, मुझे पता रीडिंग क्या होने वाली है, ऐसे भागने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ क्या मतलब है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ओके। सो देखो फ्रेंड्स, मुझे जो मैसेजेस आएंगे मेरा फर्ज है आपको बताना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन पिक अप इज यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग और समवन, ओके। इट कैन बी अ बैड ईटिंग हैबिट, इट कैन बी सम एडिक्शन, इट कैन बी सम टॉक्सिक रिलेशनशिप, इट कैन बी सम टॉक्सिसिटी यू डेवलपिंग बिकॉज ऑफ सम टॉक्सिक पीपल अराउंड यू, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा पिकअप हो रहा है कि ये आपको किसी न किसी चीज़ को जो अनहेल्दी है आपके लिए, वो पर्सन है, सिचुएशन है, थॉट प्रोसेस है, हैबिट है,
एडिक्शन है, किसी ना किसी फॉर्म में कुछ टॉक्सिक होता जा रहा है, कुछ अनहेल्दी है आपके लिए, यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट. ठीक है, आप जितना उसको होल्ड ऑन करके बैठे हो, यू टगिंग इट टू योर हार्ट, टगिंग इट टू योर चेस्ट, तो उसकी वजह से आपका वेट और गेन होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है. ठीक है, और मुझे ये मैसेज आ रहा है कि बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहते हो, नेगेटिविटी में. मुझे लग रहा है पूजा पाठ भी इतना कम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कुछ लोग, और अपने हक के लिए नहीं बोलते, आप इमोशंस को बॉटल अप कर लेते हो, बाद में फिर ज्वालामुखी फटता है. कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है. ठीक है, तो बॉटल अप नहीं करना, जो बात आपको गलत लगती है वो उसी टाइम बोल दो. जो बात आपको गलत लगती है ना, वो बात उसी टाइम बोलो, चाहे आप डिप्लोमेटिकली ओके बोल दो, लेकिन जस्ट से इट. ओके, और ड्रॉ हेल्दी बाउंड्रीज, दैट्स ऑल्सो द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू. ओके, ड्रॉ हेल्दी बाउंड्रीज. ओके, सो मुझे भी मैसेज आ रहा है बी असर्टिव के साथ, दैट यहाँ पे एक की है, सो यू हैव द की टू अनलॉक द डोर टू हैप्पीनेस. You have the key to achieve that dream goal, dream weight. ठीक है, आपके पास है चाबी खुशियों की, आपके पास है चाबी जैसा ड्रीम लुक आपका है उसको अचीव करने की. ठीक है, You have the key to fulfill your dreams. या आपके पास चाबी है जो सपने आपने देखे उनको पूरा करने की. ठीक है, तो यू हैव द की, जस्ट लुक एट हर, यू हैव द की. ओके, सो उसके अलावा मुझे मैसेज आ रहा है कि आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की, अपनी सेल्फ वर्थ पहचानने की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है कि आप खुद को पैम्पर करें, वॉक पे जाएं, एक्सरसाइज करें, हाँ, और नेचर में टाइम स्पेंड करें, मदर गाया एक्सरसाइज, मदर गाया रिचुअल, आई एम पिकिंग अप फॉर सम ऑफ यू. ठीक है, मदर गाया GAIA, उनका कुछ मुझे रिचुअल आपको करना चाहिए, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है कुछ लोगों के लिए. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे भी पिकअप हो रहा है कि आपके पास मोरल सपोर्ट किसी का होता है, जैसे कोई रोमांटिक रिलेशनशिप होती है तो लैक ऑफ रोमांस की वजह से भी आप थोड़ा डाउन एंड आउट फील कर रहे हो, या रोमांटिक रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेस चल रहा है, टेंशन चल रहा है, उसकी वजह से आप डाउन एंड आउट फील कर रहे हो या स्ट्रेस फील कर रहे हो, और यू नॉट जस्ट फीलिंग गुड इनफ. ओके, आप ऐसे फील कर रहे हो कि आप में कोई कमी है, या आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो. ठीक है, और जो कॉन्फिडेंस है वो एग्रेशन के रूप में बाहर निकल के आ रहा है. कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आया है. ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आपको कुछ लोगों को इस बात पे ही डाउट है कि आप कभी वेट लूज कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ लोग मुझे कहते हुए अभी मुझे मैसेज आ रहा है कि नहीं मुझे पता है मैं कर लूँगी या कर लूँगा वेट लूज, मुझे पता है. तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट है, लेकिन वो ट्रस्ट आपका डगमगा जाता है बीच बीच में. आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं वो ड्रीम गोल अचीव कर पाऊंगी या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. हाँ, आपको लगता है कि मेरा जो ये वेट लॉस है हो पाएगा नहीं हो पाएगा. कभी कभी बिकम वेरी होपलेस, आप ट्रस्ट खो देते हो. ठीक है, और इसके अलावा मुझे मैसेज आ रहा है कि जैसे मैंने बोला कि अगर आप लेट गो नहीं करते हो अपनी एडिक्शंस को, या अपने किसी टॉक्सिसिटी को, अपने किसी बैड ईटिंग हैबिट को, लाइफस्टाइल हैबिट को किक आउट नहीं करते जो आपके लिए अनहेल्दी है, किसी पर्सन को, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू बी स्टक वेयर यू आर. फ्रेंड्स, आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट. अगर आप गाइडेंस फॉलो नहीं करते हो जो आपको अभी दी है मैंने इतनी सारी गाइडेंस, तो वेट लॉस होना मुश्किल है आपका, फिर इट्स ऑलमोस्ट नो. ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि गाइडेंस फॉलो करोगे तो यू कैन, खुशियों की चाबी आपके हाथ में है, आप कर पाओगे अचीव. ठीक है, लेकिन अगर आप गाइडेंस फॉलो नहीं करोगे, जो नेसेसरी स्टेप्स हैं, मेजर्स हैं, वो नहीं लोगे, जो आप भी जानते हो आपने क्या करना है, मुझे स्पिरिट बोल रहा है कि आपको ही पता है आपने क्या नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं, तो अगर आप वो नहीं लोगे तो दी आंसर इज नो. ठीक है, तो यू हैव टू फॉलो द गाइडेंस, यू हैव टू किक आउट अननेसेसरी थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ विच आर नॉट हेल्दी फॉर यू, विच आर टॉक्सिक फॉर यू, विच आर मेकिंग यू लुक द वे यू डोंट वॉन्ट टू लुक. ओके,
आई डोंट फील दैट, मतलब आप खुद ही नहीं, आई यू वॉन्ट टू लुक योर बेस्ट, तो इट्स बिकमिंग अ हिंड्रेंस इन दैट, ओके, इन दैट गोल, ठीक है. प्लस मेडिटेशन कीजिए, आपको जो सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, बहुत पेंसिव हो, बहुत टेंशन में हो, आपको लग रहा है कि उसकी वजह से आप या तो कुछ ना कुछ एडिक्शन को सकम कर देते हो, यू सकम टू सम एडिक्शन ड्यू टू योर स्ट्रेस और इमोशनल आउटबर्स्ट, ओके, तो यानी कि आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है. दिस विल हेल्प यू काम योर माइंड, दिस विल हेल्प यू सेंटर योर सेल्फ, काम योर सेल्फ एंड रिलीज द कियोस, रिलीज द बर्डन, रिलीज एनीथिंग टॉक्सिक नेगेटिविटी, यू विल रिलीज ऑल ऑफ दैट एंड यू कैन टू एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, ओके. सो प्राणायाम कीजिए, ओके, मेडिटेशन कीजिए, 5 मिनट गाइडेड मेडिटेशंस आती हैं वो सुनिए, आपको ना सिर्फ सवालों के जवाब मिलेंगे आपकी जो ढूंढ रहे हो, बल्कि विल बी एबल टू बी अ हेल्दी काम माइंड, इज अ विंडो टू अ हेल्दी बॉडी, ओके, इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ हेल्दी बॉडी, ओके. सो मेक श्योर यू फॉलोइंग दैट, ओके. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, टू दिस पाइल इज, it's up to you, you can achieve it, but if you you will need to be strict with yourself, you will, the answer is maybe, okay, I'll switch this to yes to maybe, because you will need to be strict with yourself, you will need to follow the guidance, na ko ha karna aapke haath mein hai, in other words, theek hai. तो गाइडेंस फॉलो करो, यू हैव द की, लुक एट द की ओवर हियर इन दिस कार्ड, यू हैव द की टू हैप्पीनेस, यू हैव द की टू लुक द वे यू वांट टू लुक, द ट्रांसफॉर्मेशन यू वांट टू ब्रिंग, एंड विद दिस यू कैन, रीडिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है फ्रेंड्स, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है. सो इट्स अप टू यू, इट्स इन योर हैंड्स, ठीक है. तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि इसमें नो आ गया तो अब तो हो ही नहीं सकता, ठीक है. मेरे से बंदा तो बोले तुमने नो बोलो ना, आई मेक इट अ यस, ओके, ठीक है. सो इट्स अ नो इफ यू डोंट फॉलो द गाइडेंस, इफ यू डोंट बी स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ, इफ यू डोंट यू नो फाइट योर एडिक्शंस और टॉक्सिसिटी और ईटिंग हैबिट्स, इफ यू डोंट लेट गो व्हाट यू नीड टू लेट गो, ओके. तो इट्स अ नो लाइक दैट, बट इफ यू फाइट योर एडिक्शंस एंड इफ यू लेट गो, रिलीज व्हाट यू नीड टू रिलीज, देन यू कैन टर्न इट इनटू यस, ओके. दैट्स व्हाट दिस रीडिंग इज अबाउट, ओके. सो आई वोंट गिव इट अ नो एज सच, ओके. बाय द वे आई कैन सी दैट्स यू नो मुझे पिकअप हो रहा है कि रोमांस, ट्रू लव इज एंटरिंग योर लाइफ, एंड देर आर सम मंथ्स आई एम हियरिंग, जुलाई, अक्टूबर, मार्च, जुलाई, अक्टूबर, इन विच एवर ऑर्डर, ठीक है. जब भी वेन यू कम अक्रॉस दिस वीडियो, ये मंथ्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं व्हेन रोमांस कैन एंटर योर लाइफ. तो चलिए अब देखते हैं, विद इन वन ईयर फ्रॉम नाउ, वन ईयर फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस वीडियो, क्या होगा आपका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कैसा होगा. And my God, we have the Queen of Wands. Queen of Wands. Wow. Boy, you have the Queen of Wands. This queen is something. Okay, so friends, you're going to be in a much better space professionally, personally, physically and mentally. सब तरह से आपका एलिवेशन हो रहा है, सब तरह से इम्प्रूवमेंट हो रही है, अबंडेंस, हैप्पीनेस आ रही है, आपका माइंड पे, इमोशंस पे सेल्फ कंट्रोल ज़बरदस्त होगा. यू विल लर्न टू बी हैप्पी बाय योर सेल्फ, बाय यू विल नो लॉन्गर डिम योर शाइन, डिम योर लाइट, ओके, यू विल नो लॉन्गर डू दैट. अपनी जो रोशनी है उसको आप मध्यम नहीं होने दोगे, ठीक है, उसको आप कम नहीं होने दोगे अपनी रोशनी को, ठीक है. और मुझे सर मैसेज आ रहा है कि ना सिर्फ आप अच्छे दिखने वाले हो, बल्कि चार्मिंग, अपने सिर्फ बेस्ट चार्मिंग सेल्फ दिखने वाले हो आप, बहुत आपकी खुशी, आपको ऑप्टिमिज्म लोगों को फील होगा,
आप अंदर से ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव फील करोगे, आप अंदर से हैप्पी रेडिएंट फील करोगे, जो ग्लो दिखेगा आपके चेहरे पे, आपकी पर्सनालिटी पे और लोगों को दिखेगा, आपकी वाइब्रेशंस अपलिफ्ट होने वाली हैं और प्रोफेशनली भी कोई ग्लो अप होने वाला है आपको, यानी कि राइज होने वाला आपके प्रोफेशनली आपके करियर में, तो ओवरऑल चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और जो मंथ्स मैंने आपको बताए थे उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। मुझे एरीज लियो सैजिटेरियस सीजन में चेंज आता हुआ दिख रहा है, इफ़ यू आस्क मी, विच इज़ नवंबर, ओके, विच इज़ नवंबर दिसंबर, जुलाई अगस्त एंड मार्च अप्रैल। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें उसके रिस्पेक्टिव ईयर के अकॉर्डिंगली आप देख लें कि आने वाले मंथ्स के हिसाब से, ठीक है, तो इसमें चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में। सो दैट वाज अ रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप यू रेजोनेटेड विद इट। इफ यू रेजोनेटेड विद इट तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड आई सी यू इन अनदर वीडियो। सो वेलकम पाइल नंबर 3। हाउ आर यू गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने सेलेक्ट किया था चेंजिंग योर माइंड, ओके, सो मुझे मैसेज आ रहा है कि आपने अपना मन बना लिया है कि आपने जो है चेंज लाना है अपनी बॉडी में, अपने फिजीक में, अपनी फिटनेस में, अपनी हेल्थ में, ठीक है, और वो चेंज लाने के लिए आपने आप अपना मन फाइनल बना लिया है। लेकिन मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि कई बार आपका मन डावाडोल होता रहता है, कई बार फिजिटी रहते हो आप थोड़ा सा, यू नो लाइक, बट चलिए अब कार्ड से देख लेते हैं कि विल यू लूज वेट, एंड दिस इज नथिंग सेट इन स्टोन फ्रेंड्स, यू कैन चेंज द आउटकम ऑफ द रीडिंग विद योर मैनिफेस्टेशन, प्रेयर्स, हार्ड वर्क एंड पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस, ओके। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स अ जनरल रीडिंग, आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। और ना सिर्फ हम ये देखने वाले हैं आपका वेट लॉस, बल्कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो विद इन वन ईयर फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस वीडियो का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा वो भी हम देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ओके। So let's check out if you're going to lose weight and duration अगर दिखेगी तो वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है, ओके, ओके। I have perfect timing, okay, don't worry, okay, then I have there's something better and we have yes, okay, then we have not the right time, which explains why perfect timing is here, okay, so not the right time, I'll tell you what it means, so don't worry, okay, so the message I'm getting for you guys is ki with not the right time, let's begin with not the right time, just a moment friends. So like I was saying, not the right time, okay, spirit ji bol rahe hain ki right now before you lose weight you have certain a to-do list to check, okay, kuch cheeze hain jo aapne pehle sort out karni hai बिफोर यू लूज वेट। आपकी चेकलिस्ट पे कुछ चीजें आपने टिक मार्क करनी है। स्पिरिट दो मैसेजेस मुझे दे रहे हैं कि एक तो आपको पता है कि वो क्या चीजें हैं, दूसरा स्पिरिट कह रहे हैं जिनको नहीं पता है आप बनाइए, आपके माइंड में है, कहीं ना कहीं आपको पता है, तो वो चेकलिस्ट बनाइए, अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो वो टू डू लिस्ट बनाइए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपने पहले सॉर्ट आउट करनी है अपनी लाइफ में, अपनी हेल्थ में, ठीक है, और वो सॉर्ट आउट करने से जो है स्पिरिट मुझे भी मैसेज दे रहे हैं किसी कोई रीकी हीलर है यहाँ पे, एंड अगर आप अपनी हीलिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो करो, ठीक है, ओके। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन पे ध्यान दो, ऐसा स्पिरिट बोल रहे हैं, जर्नलिंग करो, राइटिंग करो, और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो,
नेचर में वॉक पे जाया करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, लाइवली म्यूजिक सुनो, म्यूजिक दैट हील्स यू, सूदिंग म्यूजिक दैट हील्स यू। ओके, ये सारी गाइडेंस है आपके लिए स्पिरिट की तरफ से, ठीक है। तो अभी सही टाइम नहीं आया है, बिफोर यू हिट ऑन टू कि जी मुझे इतना वेट लूज़ करना है और इतने टाइम में ही लूज़ करना है। दूसरा मैसेज मुझे ये भी आ रहा है अभी कि एक ना फास्ट रैपिड वेट लॉस पे ध्यान देने के बजाय हेल्दी वेट लॉस पे ध्यान दो, ठीक है। दूसरा, देयर समथिंग बेटर, ओके, सो देयर समथिंग बेटर कार्ड इज हेयर टू टेल यू ऑल कि थिंग्स आई रीड कार्ड्स इंट्यूटिवली फ्रेंड्स, आई डोंट रीड देम लाइक ऑब्वियस थिंग्स, ओके। सो मुझे देयर समथिंग बेटर कार्ड से मैसेज ये आ रहा है कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेज, बट मुझे ये मैसेज आ रहा है कि देयर थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, ओके। मुझे ये मैसेज आ रहा है कि जो आप सोच भी नहीं सकते हो उस तरह से चीज़ें या कुछ बेहतर आपको मिलने वाला है, चाहे वो जॉब है, पर्सन है, चाहे वो कोई वेट लॉस गोल आपने बना रखा है, आपने जो सोचा भी नहीं था ना उससे बेटर आपको मिलने वाला है, ठीक है। स्पिरिट कह रहे हैं जिस चीज़ को लेके अभी आप रो रहे हो, परेशान हो और नेगेटिव थॉट से भरे पड़े हो, आपको लग रहा है कि इससे अच्छा आपको मिल ही नहीं सकता, इससे भी बेहतर मिलेगा आपको, सब देखेंगे, चैनल उठाइए, सब देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो यू नो इट्स लाइक देयर समथिंग बेटर आउट देयर फॉर यू, ओके ओके। विद अ परफेक्ट टाइमिंग कार्ड, Spirit is asking you to slow down, to make healthy goals, realistic goals, and not rush things ahead, okay? Spirit is literally asking you to do not rush things, make realistic goals, practical goals, take your health into consideration, you know, like check what are your health problems have been and how you can proceed with it. ठीक है, सो दैट्स अ मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू गाइज, ओके। एंड देन ऑफकोर्स इट्स अ येस, यू विल बी एबल टू लूज वेट, आप वेट लूज कर पाओगे, आप जो है जो आपका गोल वेट है वो अचीव कर पाओगे, ठीक है, और आप बिल्कुल वेट लॉस कर पाओगे, ठीक है। और लेकिन अभी सही वक्त है किसी और उससे सराउंडिंग चीज़ों को, उससे रिलेटेड चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का, तो स्टेप बाय स्टेप चलिए आप, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो अब देखने वाले हैं कितने जा रहे हो तुसी अभी हम देखने वाले हैं आपका बॉडी मेकओवर विद इन वन ईयर फ्रॉम एनी वर्सेस वीडियो, ठीक है, सो डोंट गो एनीवेयर, ओके। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, wow, okay, four of pentacles, which is what I was telling you, and my god, the lovers, okay, so friends, this is exactly what I was telling you, that instead of being needy about something, clingy about something, just let it go, release it, let go with the flow, let things happen naturally, ठीक है, चीज़ों को naturally होने दीजिए, जैसे हो रही है वैसे होने दीजिए, tension ना लो, stress ना लो, बिल्कुल मन में जो बोझ लेके बैठे हो उसको उतार दो, ठीक है, और बिल्कुल मन हल्का कर लो अपना, ठीक है। और जब आपका मन हल्का हो जाएगा, टेंशन नहीं लोगे, ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, वैसे क्यों नहीं हो रहा, एनु छोड़ दो, ठीक है, मतलब इसको जस्ट लेट इट रिलीज ऑल द पेंट अप इमोशंस एंड फ्रस्ट्रेशंस एंड बॉटल्ड अप इमोशंस, रिलीज देम। एंड हाउ डू यू रिलीज देम? थ्रू अ क्रिएटिव एक्टिविटी। आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ, मैं वही चीज़ें बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको, जो मैं आई स्पेशलाइज इन थिंग्स दैट अदर्स डोंट डू, ओके। सो या तो क्रिएटिव आउटलेट्स के थ्रू आप वो पेंट अप इमोशंस को बाहर, बॉटल अप इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो, वेदर इट इज राइटिंग, पेंटिंग, डांसिंग, वट एवर यू फील लाइक, ओके। वैसे राइटिंग और डांसिंग, सिंगिंग ऐसे मीडियम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन है जो बहुत पावरफुल है और आपको हील कर देते हैं, ठीक है। तो बाकी आपको जो अच्छा लगे क्रिएटिव आउटलेट वो आप कीजिए, ठीक है।
ठीक है, तो मुझे मैसेज आ रहा है कि जब आप रिलीज कर दोगे यू विल गो विद द फ्लो, यू विल नो लॉन्गर स्टॉप होल्डिंग ऑन टू थिंग्स। जब आप चीज़ों को पकड़ के बैठना छोड़ दोगे, दिल से लगा के बैठना छोड़ दोगे, और जब आप नेचुरली गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ चलोगे, जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे चलोगे, नेचर के साथ, कुदरत के साथ, तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपका ड्रीम गोल आप अचीव कर पाओगे। इतने अट्रैक्टिव लगने वाले हो भाई साहब, ठीक है, ओके ओके भगिनी श्री, ओके आप इतने अट्रैक्टिव लगने वाले दैट पीपल आर गोना गेट अट्रैक्टेड टू यू लाइक मॉथ्स टू अ फ्लेम, ओके, यू आर गोइंग टू बी अ मैग्नेट, पीपल्स मैग्नेट, लव मैग्नेट, ओके, एंड पीपल आर गोइंग टू फॉल इन लव विद यू एट द फर्स्ट साइट, ओके, एंड यू नो वॉट, दिस इज डेस्टिन्ड टू हैपन, ये होगा, ये डेस्टिनी में है, ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू फॉलो द गाइडेंस आई जस्ट गेव यू, या गो विद द फ्लो एंड डोंट होल्ड ऑन टू इमोशन थिंग्स और पीपल, ओके, सो ऑल राइट, सो दैट वॉज योर रीडिंग टुडे, लेट मी नो आपको ये टॉपिक कैसा लगा, एंड और रिक्वेस्टेड टॉपिक्स, अगर आपके कोई सजेशंस हैं यू मोर देन वेलकम टू पोस्ट देम इन द वीडियो, ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई सी अनदर वीडियो, अनदर टॉपिक, टिल देन टेक गुड केयर, सेयोनारा, चाओ।